हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक तीखी चटपटी भेलपूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने ये प्याज कट कर लिया है और ये टमाटर मैंने चॉप कर लिया है, नींबू और ये दो हरी मिर्च और ये मुरमुरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मुरमुरे मैंने लिया है और इसमें अब मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। पहले टमाटर जाएगा, फिर इसमें प्याज जाएगा, हरी मिर्च, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा काला नमक आधा चम्मच, मैं इसमें थोड़ा सा सफेद नमक का भी यूज करूंगी। अब इसमें जाएगा अमचूर पाउडर, इससे थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आता है। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हमें तीखा बनाना है तो मैं लाल मिर्च का यूज करूंगी। इट इज़ ऑप्शनल, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। अब इसमें जाएगी इमली की चटनी, खट्टा मीठा और तीखा टेस्ट, तो हम इसमें डालेंगे इमली की चटनी। अब इसमें मैं कुछ नमकीन का यूज़ करूंगी, आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हो। अब इसमें जाएगा आधा कटा नींबू, अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी भेलपूरी अच्छे से मिक्स हो गई है और बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक बोल में सर्व करूंगी। तो ये हमारी भेलपूरी बनकर रेडी है। अब इसमें मैं ऊपर से कुछ नमकीन मिक्स करूंगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।